बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 2 होम्योस्टेसिस के एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज। नंबर 1, द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज, इसका करेक्ट आंसर है इंटरनल एनवायरनमेंट। नंबर 2, अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट, इसका करेक्ट आंसर है होम्योस्टेसिस। नंबर 3, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर, ये क्या होता है? गटेशन, ये हमने पढ़ा था। नंबर 4, प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया इज कॉल्ड हेलोफाइट्स। नंबर 5, ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन, कौन सा है? स्किन होता है लार्जेस्ट ऑर्गन, क्योंकि जाहिर बात है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन सूटेबल लिमिट्स क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। द किडनी इज़ एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं जिसमें किडनी एनक्लोज्ड होता है? तो ये पेरिटोनियम। क्वेश्चन नंबर 8, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन, कौन सी लेयर ऑफ स्किन में ब्लड कैपिलरीज होती हैं? तो ये डर्मिस में होती हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट लूप ऑफ हेनलेस, द हार्मोन ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में ये जो आपको दिए गए हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन है, किडनी स्टोन है, किडनी फेलियर है, और जितनी डेफिनेशंस हैं वो है, और इसके अलावा वाई स्किन इज़ कंसिडर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या फिर ये कि हाउ ह्यूमन स्किन मेंटेन्स टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशंस। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इनको अच्छी तरह याद करिए। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन है, स्किन के बारे में है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन है, किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सब सवालात को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, समझें और याद करें, इंशाल्लाह इम्तिहान में आपको कामयाबी हासिल होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।